तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के बारे में, जो कि 16/9/2022 डेट के लिए है, यानी 16 तारीख के लिए है। इससे पहले 12 तारीख का, 13 तारीख का, 14 तारीख का और 15 तारीख का क्वेश्चन अपलोड है। आप कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो। तो मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन हो रहा है, बीच बीच में से क्वेश्चन है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि पेपर में इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, क्वेश्चन है दो संख्याओं के एलसीएम 18 और उनका गुणनफल 12960 है, उनके एलसीएम ज्ञात कीजिए। द एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट्स इज 12960, फाइंड देयर एलसीएम। तो आंसर देख लो इसका, ठीक है। तो हमको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, हिंदी में लिख लेना, दो संख्याओं के गुणनफल के, यानी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो एचसीएफ की वैल्यू दिया 18, रख दिया एलसीएम पर एलसीएम है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है क्वेश्चन में 12960, ओके, रख दिया इसकी वैल्यू। तो एलसीएम बराबर ये गुणे में 18, इधर किस में आ जाएगा, बटे में यानी भाग में। जब हम 12960 में 18 से भाग करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 720, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो एलसीएम आ जाएगा 720। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आया होगा, फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।